अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो है NX का ब्रेड टोस्टर, जिसको हम स्लाइस टोस्टर भी बोलते हैं, और ये है सैंडविच टोस्टर। मॉडल नंबर है FZ037, जो कि 230 वोल्ट पर चलता है और 700 वाट इसकी कैपेसिटी है। अब आज हम इसको चेक करेंगे, इसमें क्या मसला है, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा। चलते हैं वीडियो की जानब। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर करें, और इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए और कुछ सीखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलते हैं वीडियो की जानब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अब चलते हैं जी वीडियो की जानिब। आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो है ब्रेड टोस्टर। आज हम इसको चेक करेंगे कि ब्रेड टोस्टर को कैसे ठीक किया जाता है और इसमें क्या फॉल्ट है। चलते हैं जी वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम इसके ये पेज खोल लेंगे। इन पेज को खोलने के बाद हम इसकी प्लेट्स को बाहर निकाल लेंगे। चलते हैं वीडियो की जानिब। जी सर, जैसा कि अब हमने पेज खोल ली है और इसकी आप देख रहे हैं कि इसकी प्लेट्स अलग हो चुकी हैं। अब हम इसको देखते हैं कि इसको क्या फॉल्ट है।
अब हम इसके पीछे मौजूद बैक साइड को भी खोलेंगे, इसके अंदर इसके कनेक्शन है और इन कनेक्शन को हम खोलेंगे। कनेक्शन प्लेट को हमने खोल लिया है, अब हम इसको चेक करेंगे कि इसको क्या मसला है। अब हमने कनेक्शन को अलग कर लिया है, अब हम सबसे पहले इन एलिमेंट्स को देखेंगे कि एलिमेंट ठीक है या नहीं। इसको चेक करेंगे हम सीरीज के साथ, देख सकते हैं कि बल्ब रोशन हो रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला एलिमेंट ठीक है। अब हम दूसरे एलिमेंट को चेक करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूसरा बल्ब भी ठीक है। अब हम इसके बाद ये इसमें फ्यूज़ है, हम इस फ्यूज़ को ये सेफ्टी के लिए लगा होता है, हम इसको चेक करेंगे क्या ये ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इसको लगा रहे हैं और ये बल्ब रोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब यह है कि हमारा ये फ्यूज़ ख़राब है। अब हम इस फ्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, फ्यूज़ को इसी तरह का फ्यूज़ बाज़ार में बआसानी मिल जाता है, हम उस फ्यूज़ को चेंज करेंगे और फिर आपको चेक करवाएंगे कि हमारा सिस्टम ठीक हुआ है। जैसा कि अब हमने फ्यूज़ को चेंज कर दिया है तो हम इसको बंद कर देंगे, इसके पेच को कस देंगे। अब हम इसको मुकम्मल चेक करेंगे, अब हम इसकी दोबारा फिटिंग करते हैं। जैसा कि अब हम इसको बंद कर रहे हैं, हमने इसको ठीक कर लिया है और हम इसको फाइनली अब एक दफ़ा चेक करेंगे कि क्या हमारी ये ब्रेड स्लाइस बनाने वाली टोस्टर ठीक हो गई है। अब चलते हैं जी एक दफ़ा फिर सीरीज की जानब, हमने सीरीज तार पकड़ ली है, अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बल्ब मध्यम रोशन हो रहा है, मैं इसको आपस में अटैच करता हूं। अब देखें कि ये जब मैं इन दोनों शू को आपस में अटैच करता हूं तो इन दोनों को पेचकस की मदद से आप वो देखेंगे कि बल्ब की रोशनी ज़्यादा होती है। इस रोशनी कम और ज़्यादा का मकसद ये है, कम का मकसद ये है कि ये कंपोनेंट आपकी ठीक काम कर रही है, और अगर ये रोशनी तेज़ होगी तो आप ये समझ लें कि आपकी ये आगे जो चीज़ है वो शॉर्ट है या आपकी तार शॉर्ट है। जी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अगर हमारी आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, और क्योंकि लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।